हेलो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड ट्रेडर सुशांत बैक विद अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। तो ये जो वीडियो होने वाला है, इस पर मैंने ब्रेकआउट के ऊपर और ब्रेकआउट आपको एग्जैक्टली कैसे फाइंड आउट करना है उसके ऊपर वीडियो बनाया है, राइट। तो अभी आपको कभी भी ब्रेकआउट देखेगा तो आप ये चीजें कैसे आपको देखना है वो आपको, और स्टॉप लॉस और जो टारगेट है वो कैसे रखना है और मैंने कैसे रखा था वो आपको लाइव वीडियो में मैं बताऊंगा। इस पर मैंने पेपर ट्रेड किया है ट्रेडिंग व्यू पे नास्डेक का मार्केट में। मैं सब मार्केट ट्रैक करता रहता हूँ और सीखता रहता हूँ। तो ये जो ब्रेकआउट था मैं जस्ट देख रहा था कि वर्क होता है क्या नहीं, तो वर्कआउट के लिए मैंने एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मेरे को मिला, तो आई थॉट कि इसके ऊपर वीडियो बनाया। मैंने पहले शूट किया लैपटॉप में और उसके ऊपर ये स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको ये पसंद आया तो पूरा वीडियो देखिए, आपको थोड़ा स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन पसंद आया रहेगा तो पूरा वीडियो देखिए, और कुछ भी डाउट रहेगा उसके बाद देखने के बाद तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपका कुछ भी क्वेरी रहेगा वो पूछे, और नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया मैंने, उधर आपको कुछ भी व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कीजिए। सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना, कॉल मत करना, मैं आपका सब क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा इफ कुछ डाउट आ रहा है तो। कुछ भी चार्जेस नहीं, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट एजुकेशनल पर्पस, कुछ भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था, देखो गाइज मैं बहुत टाइम से कोई वीडियो नहीं बना रहा था, बट अभी ऐसा एक सीनारो मेरे को दिखा कि इस पे मैं मतलब एक नया स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं वर्क कर रहा था। देखो गाइज मैं आपको मतलब मैं आपने देखा रहेगा कि मैं लाइव ट्रेड मेरा शो नहीं करता। कोई कोई लोग बोलते हैं कि मैं ट्रेड नहीं करता, मैं गैम्बलिंग करता और कुछ भी, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इफ आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो देन आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो, इफ नहीं करते हो तो वीडियो भी मत देखा करो। तो अभी बेसिकली मैं मेरे स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क कर रहा था, और हाँ ये दूसरा टॉपिक हो गया। मैं क्यों नहीं बनाता लाइव वीडियो, उसका मेरा मकसद क्या रहता है, देखो मैं जब भी लाइव ट्रेड्स करता हूँ और जब भी अपना मार्केट आ रहता है तभी मेरे क्लाइंट्स भी रहते हैं, उनको भी मैं कॉल प्रोवाइड करता हूँ जिनका जो कैपिटल है वो ज़्यादा रहता है, तो साइमल्टेनियसली कॉल पे बात चलता रहता है, खुद भी ट्रेड लेना पड़ता है। तो मेरे को लाइव रिकॉर्डिंग चालू करके माइक पे बात करते करते दूसरे लोगों को कॉल करते करते मेरे को नहीं होता, राइट। और मेरे को पसंद भी नहीं है कि अपना जो भी अपना जितना भी कैपिटल है और जितना भी अपना बजट है जिस पे आपका घर चलता है और आप कुछ भी मतलब ये मेरा मतलब बिजनेस है वो उसका बजट और जितना पैसा इनकम आता है वो लोगों के साथ शेयर करना, ये मेरा मतलब आंसर है कि मैं कितना कमाता हूं और मेरे को नहीं दिखाना आपको। इफ आपको अच्छा लग रहा है तो देखिए, नहीं तो मत देखो तो भी चलेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे जो मेरा अच्छा चाहने वाले और मेरे पे ट्रस्ट करने वाले लोग भी है, तो वो सब छोड़ दीजिए। इफ आप नॉलेजेबल देखने के लिए आए तो ये जरूर देखिए। तो इसके लिए मैं बेसिकली ना आपने देखा रहेगा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि लोग क्या बोलते हैं कि ट्रायंगल पैटर्न हमेशा मैं ब्रेकआउट पे सबसे ज्यादा फोकस करता हूं, तो ट्रायंगल पैटर्न हमेशा ऐसे ही होना चाहिए और इधर से ब्रेकआउट होना चाहिए, बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी मैंडेटरी चीज नहीं है। ये नास्डेक का मार्केट है, आप देख सकते हो। अभी इस पर मैंने RSI का डाइवर्जेंस नहीं देखा है, सीरियसली मैं आपको बताऊं तो नॉर्मली मैंने डाइवर्जेंस के कुछ यूज नहीं किया है, नॉर्मली मैंने ट्रेड लिया है वो कैसा मैं आपको बता रहा हूं। अभी देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने चीज जो नोटिस की ना वो देखा कि ये वीक देखा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल गैप अप ओपन हुआ, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये नास्डेक ओपन हुआ 140 और 130 पॉइंट्स गैप अप, बहुत बड़ा डील हुआ। अपन ये एग्जांपल बैंक निफ्टी के साथ भी ले सकते हैं, समझो बैंक निफ्टी का डेली का मेंटेनेंस जो मतलब वैल्यू है पॉइंट्स है वो रहता है 150 टू मैक्स 200। सेम गोज टू नास्डेक ऑल्सो, नास्डेक मैक्स टू मैक्स 200 पॉइंट अप और 200 पॉइंट नेगेटिव साइड जा सकता है, वो उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट। तो वे अपने निफ्टी के साथ भी वैसे। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल गैप अप ओपन हुआ, तो मैं क्या कर रहा था, मैं शॉर्टिंग के लिए पोजिशन फाइंड आउट कर रहा था। तो मेरे को ये लेवल दिखा कि इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार वीक फॉर्मेशन हुआ, 6 बार, और एक ट्रेंड लाइन भी मेरे को मिला, ज्यादा अच्छा ट्रेंड लाइन नहीं मिला बट ट्रेंड लाइन मेरे को मिला। तो मैंने क्या किया, ट्रेंड लाइन और एक मेरे को पैटर्न दिखा। तो ये पैटर्न जैसे अभी देखो, ये मैंने और मेरा जो टारगेट है वो मैंने कौन से बेसिस पे लगाया वो भी आपको बता, देखो ये बेसिस पे मैंने मेरा टारगेट लगाया। नॉर्मली ऐसे मैंने थोड़ा बोला कि इसके थोड़ा ऊपर रखते हैं, तो अभी देखो मेरे टारगेट को टच करने को आया है, आप देख सकते हो, और ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से प्राइस एक्शन वर्क्स, और मैं इधर एग्जिट कर रहा हूं आपके सामने, राइट, एग्जिट हो चुका है, मेरे को एकदम मैक्सिमम प्रॉफिट मिला बहुत ही ज्यादा पॉइंट्स का। तो ये है पावर ऑफ नॉलेज और पावर ऑफ लर्निंग,
मैंने आपके सामने ट्रेड लिया, आपने सामने एग्जिट किया, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊंगा ये फेल तो होता तो भी आपको एक लर्निंग वीडियो मिलने वाला था, तो आपको अभी भी मिला। तो ये है आपका मतलब, आपको जब भी ट्रेड लेते हो तो ये चीजें आपको देखनी पड़ती है। और मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप फॉरेक्स मार्केट में जाकर ट्रेड कीजिए, क्योंकि फॉरेक्स के लिए एक ऐसा कोई भी अच्छा ब्रोकर अवेलेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू वेरियस जेन्युइन पीपल, जेन्युइन मेंटर, जो मैं भी लोगों को मेंटर मानता हूं, तो उनके अकॉर्डिंग, और मैंने कभी ट्रेड नहीं किया एक्चुअली, मैंने कभी किसी के अकाउंट में पैसा भी नहीं डाला है और कभी किया भी नहीं, बट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा कोई भी एग्जैक्टली ब्रोकर नहीं जिधर आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो ये जो बिनोमो है और बहुत सारे है, उसका मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया और मैं किसी को ऐसा बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे को नहीं करना, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी से बहुत अच्छा मेरे को रिटर्न आता है, तो क्यों दूसरे की तरफ आना। बट जो कैंडल स्टिक है और जो भी फॉर्मेशन होता है प्राइस एक्शन, वो सब मार्केट में सेम रहता है, आप कौन से भी मार्केट में जाओ। तो ये देखिए एक रेजिस्टेंस जोन, देखो इधर से फिर से वीक फॉर्मेशन हुआ, तो अभी इधर से ऊपर जाए और नीचे जाए मेरे को आई डोंट केयर, राइट, क्योंकि मेरा जो भी एम था प्राइस एक्शन के बेसिस पे वो मैंने अचीव कर लिया, मैंने पोजीशन एग्जिट कर लिया। अभी ये मिनिमम देखो कभी भी गैप्स रहता है, गैप्स ये गैप्स क्या करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करते हैं, इसीलिए गैप अप ये पॉइंट से हुआ तो इसीलिए मैंने मेरा इधर मेरा टारगेट रखा था, राइट। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना आप, गैप्स हमेशा बिहेव करते हैं एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इफ समझो कि ये लेवल ब्रेक कर दिया तो एक आपको और अच्छा गिरावट मिलने वाला है, बट आई डोंट थिंक सो कि ब्रेक करेगा ये, ऐसा प्राइस एक्शन करके मे भी ऐसा ऐसा करके चौपी रह सकता है ये लेवल के इन बिटवीन, लेट्स सी। बट मेरा एम क्या था आज के वीडियो का, कि आप देख सकते हैं कि ऐसा एक आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, और ट्रायंगल पैटर्न हमेशा आप ऐसे ही मत फाइंड आउट कीजिए, और कोई भी पैटर्न आप कभी भी फाइंड आउट करोगे वो उसके वीक के हेल्प से करोगे। व्हाई वीक, देखो मतलब इसका मतलब क्या होता है कि ये पॉइंट का टच करके नीचे आ रहा है, ये पॉइंट को एक वीक फॉर्मेशन होता है, एक लाइन होता है और वॉल्यूम उसके नीचे जाता है, तो उधर से रिजेक्शन आ रहा है, 6 बार 5 बार रिजेक्शन आया, उसका मतलब आपको साफ साफ दिखना चाहिए कि इधर से अभी आपको मैं और एक एग्जाम्पल देता हूं, अपने आज बैंक निफ्टी में हुआ वही आपको नॉलेजेबल कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अपना बैंक निफ्टी ओपन हुआ, थोड़ा गैप डाउन नीचे कंटिन्यूसली नीचे नीचे गया, और जैसे ही नीचे जाके आप देख सकते हो दो बार उसने वीक फॉर्मेशन किया ये लेवल से, और आप एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो आपको एक ट्रेंड लाइन भी दिखता है, इतना अच्छा नहीं है बट डिग्री उसका बहुत कम है, बट ऐसे ट्रेंड लाइन नहीं रहता, बट एक ऐसा ऑर्डिनरी आप बोल सकते हो कि हाँ इधर से हो सकता है। और 2-3 बार देखो इधर भी देखो एक रिजेक्शन मिल रहा है, और इधर भी एक देखो अच्छा बड़ा रिजेक्शन मिला, तो इधर से एक एग्जिट पोजीशन बनता था जो लोगों ने इधर से सेल आउट किया था। तो जो लोग ऐसे नहीं करते कैंडलस्टिक का भी, देखो कैंडलस्टिक का एक चीज मैं बताता हूँ, कैंडलस्टिक आपको बाइंग में ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, मतलब ट्रेड लेने में हेल्प नहीं करेगा, बट ट्रेड एग्जिट करने में हेल्प करेगा बाय यूजिंग कोई भी समझो कि कोई भी पैटर्न, डोजी रहने दो और एल्स कोई भी शूटिंग स्टार रहने दो, मॉर्निंग स्टार रहने दो, एंगल फिन लेने दो, बीरिश बुलिश कुछ भी रहने दो, तो उससे आपको हेल्प मिलने वाला है, तो ये बात ध्यान रखना। और यही है आज के वीडियो में कि आपको मैंने पैटर्न्स ड्रॉ कैसे एक्चुअल करते हैं वो मैंने बताया, राइट। तो आपको एक अच्छा खासा नॉलेज आ चुका है, तो आप वो बेसिस का बेनिफिट यूज कीजिए और आपका कल का ट्रेड उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए, और कल का मतलब जो भी पैटर्न्स, अभी देखो इधर भी एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है ये वीक के यूजिंग, तो इसका मतलब क्या, रिजेक्शन पॉइंट ये है, मेरे को एग्जैक्टली रिजेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा है, देखो रिजेक्शन पॉइंट मेरे को एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है, बट यही लेवल के इन बिटवीन है। और कभी कभी क्या रहता है, जो रिजेक्शन रहता है वो वोलेटिलिटी के वजह से भी रहता है, वोलेटिलिटी, तो इसीलिए कभी कभी फेल मतलब ऐसा उसमें डेल्टा क्रिएट होता है। डेल्टा का मतलब क्या है, एक एग्जैक्टली जगह नहीं मिलता अपने को, एक ऐसा मीनवाइल वैल्यू मिलता है दोनों के बीच में, तो ऐसा यही जगह मेरे को अच्छा लगता है कि देखो वीक फॉर्मेशन, राइट। और मेरे को ऊपर से किधर आपको वीक फॉर्मेशन दिख रहा है आप ही को ड्रॉ करके देखो, मैं नॉर्मली ट्रेंड लाइन लेता हूं, और इफ ऐसा मैं देखूंगा तो नॉर्मली मेरे को ऐसा दिख रहा है ट्रेंड लाइन, तो आप देख सकते हो, थोड़ा मैं उसको ऊपर ले लेता हूं, थोड़ा सा ऊपर। देखो पैटर्न्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा कुछ ना कुछ फॉर्म होना चाहिए, मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, वेट अ सेकेंड। तो अभी आप ऐसा नॉर्मली देखोगे तो सेम पैटर्न फॉर्म हो रहा है जो अपन नासडैक में देखे, थोड़ा अलग सा फॉर्म हो रहा है। तो अभी देखो ये जोन एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन हो रहा है, रिजेक्शन ये मिस नहीं हो रहा है, तो अभी समझो कि कल गैप ओपन होता है तो यूजिंग दिस मैं बाइंग के लिए एंट्री बनाऊंगा, और जो मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो यूजिंग प्राइस एक्शन रहेगा। और सेम सेलिंग में
मैं को कुछ मिला तो नेक्स्ट टारगेट मेरा ये रह सकता है और ये रह सकता है। बट गाइज बात समझ लीजिए, ये जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज। ट्रेड कैसा लेना है पूरा वीडियो मैं एजुकेशन के लिए बनाता हूँ, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है, जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, जस्ट शेयरिंग वॉट आई डिड वॉट आई डू फॉर बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड्स, दैट्स इट। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट में बता दीजिए, और आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो प्राइवेटली मैसेज कीजिए। कोई भी एडिशनल सर्विसेज लाइक कोई भी कोर्सेज के बारे में और कुछ भी जानना रहेगा तो जो चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में देता हूँ वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी, और जिसके चार्जेस है वो उसको आपको पे करना पड़ेगा। बट ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको कोई भी कोर्स करना पड़ेगा, यूट्यूब पे सब चीज़ें अवेलेबल है। अभी देखो मैंने ट्रेंड लाइन के ऊपर और रिजेक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाया, वैसे ही आपको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे वीडियो मिलेंगे, लाइक ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, बट आपको कैसे एक चीज एक ही टाइम पे नहीं मिलेंगे। तो आप किसी का भी कोर्स करोगे एक्स वाई जेड पर्सन जो सक्सेसफुल है और जिसको पता है थोड़ा बहुत, तो उससे क्या होगा आपको एक ही टाइम पे सब चीजें मिलने वाली, लाइक ओपन इंटरेस्ट है, रिजेक्शन है, प्राइज एक्शन है, इंडिकेटर है, टेक्निकल एनालिसिस है, ये सब चीजें एक ही टाइम में मिल जाती है। बट यूट्यूब पर सब चीजें अवेलेबल है, आई एम सेइंग अवेलेबल है, बट वो छोटे छोटे पार्ट में आपको ढूंढना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दैट्स इट। कुछ हेल्प रहेगा तो जरूर पूछे, आई एम देयर फॉर यू। तो टेक केयर, बाय बाय। So back to what I was saying.